चलिए एक और नई सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। नाम है डिंपल, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं, और डिंपल ने फाइनल ईयर के साथ ही एनआईटी में परफॉर्म किया और इनको एनआईटी भोपाल अलॉट हुआ। तो डिंपल, सबसे पहले एनआईटी भोपाल के लिए आपको बधाई। थैंक यू सर। और डिंपल, आपने क्योंकि ये फाइनल ईयर के साथ ही अपना कॉलेज आपको मिला है मैनेट भोपाल, तो मैं चाहूंगा, जैसे मैं बाकी सब बच्चों के भी सेशंस डालता हूँ, हर बच्चे की लाइफ स्टाइल और सक्सेस स्टोरी अलग अलग होती है, तो आप भी अपनी स्टोरी बताएं कि आपने कब निमसेट के लिए सोचा, 12th तक आपका माइंडसेट क्या था, कब आपने पढ़ना चालू किया और क्या क्या चीजें हैं जो पढ़ाई के दौरान ध्यान रखी आपने। यस सर। सर मैंने 12th में PCM लिया था, बट मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे आगे क्या करना है, बिकॉज यहाँ पे इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं था। छत्तीसगढ़ सर मतलब दूसरे स्टेट से उतना नहीं है अच्छा, तो इसलिए हमें थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी। 12th में ऐसा सोचा नहीं था कुछ भी। फिर कॉलेज में गए थे, फर्स्ट ईयर में अभी मुझे पता नहीं था MCA के बारे में, मुझे वहाँ के स्टूडेंट से पता चला कॉलेज में जो थे, तो उन्होंने बताया कि MCA की होता है, NMSET एग्जाम होती है, तो आप उसके थ्रू दे सकते हैं। तो सर मैंने भी उसके थ्रू ही दिया है। सोचा था सेकेंड ईयर में, तो मैंने इम्पेटस सेकेंड ईयर में ज्वाइन किया था, टेस्ट सीरीज ली थी मैंने बस वहां से, क्योंकि थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया था कोर्स, बट टेस्ट सीरीज देती थी मैं। फिर बाद में 6 महीने पहले आई गेस, जब एग्जाम होने वाला था, तब मैंने सर से बात करी और फिर मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था उसका, आपने क्योंकि मेरा फास्ट कोर्स ज्वाइन कर परफॉर्मेंस लिया नहीं आ था। रहा था। यस सर। तो सर परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था उतना सर, DPTs वगैरह थे वो बनते नहीं थे उतने अच्छे से खुद से, तो फिर मैंने ज्वाइन किया था फास्ट ट्रैक कोर्स, और वो कोर्स मुझे मतलब बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा वो मेरे लिए। मेरे नंबर मतलब 300 से ऊपर उठते ही नहीं थे, लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया था ना, तो मतलब 100 मतलब 500 तक गए हैं मेरे मार्क्स, तो मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट था ज्वाइन करने के बाद इंस्टीट्यूट। तो वही बोलना चाहूंगी कि आप लोग भी जितनी जल्दी हो सके ज्वाइन करें, बिकॉज मैंने देखा है कि मैं लेट ज्वाइन करी तो मुझे लगा कि मैं और अच्छा कर सकती थी इससे, तो आप लोग भी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए एज सुन एज पॉसिबल। बिल्कुल सही बोला डिंपल, कि कई बार क्या होता है, हमारे हमको हम अपना खुद असेसमेंट करना आना चाहिए। जैसे पहले आप सेल्फ स्टडी कर रही थी, फिर टेस्ट सीरीज करा, फिर भी लगा कि नहीं कहीं और कमी है अभी भी, देन आपने फास्ट ट्रैक कोर्स किया। पर थोड़ा पहले डिसीजन लेते हैं तो थोड़ा और उसका बेनिफिट मिलता है, डेफिनेटली सच बात है। अच्छा डिंपल, ये बताइए, आपने कॉलेज के साथ निमसेट की प्रिपरेशन की है, तो कई बच्चों के माइंडसेट रहते हैं कि फाइनल ईयर के साथ मैनेजमेंट थोड़ा मुश्किल होता है, तो उस पर आप क्या कहोगे? सर हमारा तो सर ऐसा ही था कि सर उसके जो अपना 2 घंटे में दिन में निकाल के अपने कॉलेज का भी स्टडीज करती थी रेगुलर, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया और कंपाइल नहीं करना है किसी चीज को, अपने कॉलेज स्टडीज को अगर कंपाइल कर लेंगे तो दिक्कत होगी। सही तो बात है। सर मैंने हर रोज 2 घंटे उसके लिए भी पढ़ती थी सर कॉलेज के लिए, सर ऐसे मैनेज किया था मैंने फाइनल ईयर की स्टडीज। ठीक है। अच्छा टेस्ट पेपर जब आप देते थे, तो उस टेस्ट पेपर के एनालिसिस, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट की होती है एनालिसिस, तो जब आपने यस फास्ट ट्रैक कोर्स कर लिया, फिर आप एनालिसिस करते थे, तो आप उसमें क्या क्या चेंज अपने अंदर लाए एनालिसिस करते हुए, ये जरूर बताओ, क्योंकि कई बच्चों के एनालिसिस के तरीके गलत होते हैं, उससे वो कई बार पीछे हो जाते हैं। यस सर। सर मैं भी पहले जब सेल्फ स्टडी करी थी सर, तो एनालिसिस मुझे करते नहीं आ रहा था सर, फिर मैंने आपके जब फास्ट ट्रैक को ज्वाइन किया सर, उसमें आप लोगों ने बताया कि किस तरह से एनालिसिस सही ढंग से करना है, कि आपके कि डाउ मतलब गलत क्वेश्चन कितने थे, अटेम्प्ट कितने किए थे, राइट कितने थे, सर ये सारे के सारे टॉपिक्स सर जैसे रॉन्ग होते थे मेरे, तो सर मैं वो टॉपिक लिख लेती थी जो भी क्वेश्चन रॉन्ग हुए जिस टॉपिक से भी, तो सर उस टॉपिक को मैं उस 1 वीक में सर मैं उसको अपने अंदर मतलब सुधारने की कोशिश करती थी कि सर ये टॉपिक मेरे को आ जाए अच्छे से सर, तो इस तरह से मैंने किया था सर इसका एनालिसिस का। चलो बहुत अच्छा लगा डिंपल आपसे बात करके। अभी क्योंकि ड्यू टू कोविड कॉलेज खुले नहीं है, अब आपकी अभी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होंगी, तो जो कॉलेज का फील है वो थोड़ा आने में टाइम लगेगा, शायद पहला सेमेस्टर हो सकता है पूरा ही आपका इसमें निकल जाए, तो ऑल द बेस्ट। अब ऐसे ही कॉलेज में भी परफॉर्म करो और आगे बढ़ो, एंड ऑल द बेस्ट। यस सर। थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक थैंक यू सो यू मच। बेटा।